नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला कांग्रेस कमेटी ने स्टेशन चौक पर दिया धरना, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नगर निगम की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में चालक की मौत। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर जिला प्रशासन सख्त, मास्क नहीं लगाने वालों को भरना होगा जुर्माना। और भागलपुर जिला विधिक संघ में वकीलों के बीच गरमाया माहौल। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों के साथ सरकार एवं पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर द्वारा किसान सत्याग्रह के समर्थन, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन भागलपुर स्टेशन चौक पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागलपुर के विधायक से बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं बिहार की नीतीश सरकार जनता के प्रति निरंकुशता की सारी हदें लौंग रही है। कार्यक्रम के उपरांत एक शिष्टमंडल द्वारा जिला पदाधिकारी भागलपुर से मिलकर महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। विधानसभा में जो परसों हरकत हुई है, माननीय विधायक जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिस तरह से विपक्ष का काम है कि आप जो कानून ला रहे हैं अगर वो जनता के खिलाफ है, गलत है, तो उसका आवाज उठाना। उन्होंने क्या किया, पुलिस को बुलवा के, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, इतिहास की गवाह है। पहली बार पुलिस अंदर में घुस के जो विधायिका बहने हैं उनको भी खींच के बाहर किया गया। पुलिस ने जूतों से, संतोष मिश्रा जी हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उनको जूते पुलिस से मारा गया, खींच के ले जाया गया। ये आज जब आपने विधायक का अपमान नहीं किया, पूरे बिहार की जनता का अपमान है, इसके लिए आज धरना पर हम लोग बैठे हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पर एक ट्रक और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में घटनास्थल पर ही एक चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि हबीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास सड़क के किनारे कूड़ा गिराया गया था, जिसमें कि भीषण आग लगने के कारण काफी धुआं निकल रहा था, जिसके कारण सड़क पर कुछ दिखाई नहीं देने के कारण यह हादसा हुआ है। हादसा इतना जबरदस्त था कि मृत व्यक्ति का शव ट्रक में फंस गया, जबकि ट्रक का ड्राइवर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलने पर हबीपुर थाना, कजरेली थाना और टीओपी की पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन के विरुद्ध काफी आक्रोश देखा गया। लोगों ने कहा कि नगर निगम सचेत नहीं हुआ तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रोड सड़क के किनारे तो प्रदूषण फैला रहा है, मैं धुआं के वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। धुआं के कारण से हो रहा है, नगर निगम के देखने, नगर निगम जैसे जैसे कूड़ा फेंक के चला जाता है, दिखाई नहीं पड़ा, उसके कारण से जो एक्सीडेंट हो गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। बीते दिनों कोरोना संक्रमण के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद कई राज्यों में पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए गुरुवार को भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने माइकिंग कर लोगों से मास्क लगाकर घर से निकलने और सतर्क रहने की अपील की। हम आपको बता दें कि शुक्रवार से अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस आपसे जुर्माना वसूलेगी। भागलपुर के जिला विधिक संघ में महासचिव के प्रभार को लेकर महासचिव संजय मोदी और एडहॉक कमेटी के बीच तल्खी बढ़ गई है, जहां डीबीए के अध्यक्ष अभयकांत झा ने अध्यक्ष का प्रभार एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए मनोज कुमार सहाय को सौंप दिया है। वहीं महासचिव के द्वारा प्रभार नहीं दिए जाने के बाद गुरुवार को महासचिव के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा लिए गए फैसले पर विरोध जताया गया। हम आपको बता दें कि गुरुवार को हुई बैठक में महासचिव संजय मोदी ने इसे असंवैधानिक और मॉडल रूल्स के खिलाफ बताया। ये सारा निर्णय असंवैधानिक और मॉडल रूल्स के खिलाफ। ऐसी परिस्थिति में आज एक हाउस की बैठक थी,
क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए महासचिव को पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, एक पक्षीय कार्रवाई की गई, वो कहीं से भी उचित नहीं होता है। गुरुवार को ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सूजागंज भागलपुर स्थित कार्यालय में आयकर विभाग भागलपुर के द्वारा TDS TCS से संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव पुनीत चौधरी, कार्यकारिणी अध्यक्ष अजीत जैन और ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर कार्यकारी समिति के सदस्यों और व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में TDS TCS कटौती में की गई चूक, समय पर कटौती नहीं करने पर उसके परिणाम पर चर्चा की गई, साथ ही समाधान, सुझाव और विवरणी संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया, आयकर अधिनियम से संबंधित धाराओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नीलेश अग्रवाल, अजीत जैन, आशीष सराफ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा TDS और TCS के संदर्भ में जो नए नए प्रावधान आए हैं उस संदर्भ में व्यापारियों के बीच में अपनी बातों को रखना। इसके अंदर में तीन महीने के अंदर में रिटर्न फाइल करना है, उसके अंदर में पेनल्टी है, प्रावधान है, हर डेली के हिसाब से आपको फाइन लगेगा 100 रुपया 200 रुपया। इसलिए सभी व्यापारियों से अनुरोध डिपार्टमेंट भी कर रही है कि आप अपना TCS और TDS का रिटर्न जो है समय पर जमा करें। सबौर स्थित भाजपा कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में चल रहे कार्यशाला को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह ने सभी युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में पहुंचे बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य सह प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा किए गए हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री प्रीति शेखर, बंटी यादव सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को अपनी कार्रवाई करने से रोक नहीं सकते, उसका एक तरीका होता है, उसका एक विरोध करने का, प्रकट करने का तरीका होता है, हर को अपनी बात करने, लेकिन आप उनको बंधक बना दीजिए और उनको कार्रवाई करने से रोके, ये कतई स्वीकार्य नहीं होता है। भारतीय लोकतंत्र इसकी अनुमति नहीं देती है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। राज्य कार्यकारिणी सदस्य आयशा परवीन कुशवाहा ने कहा कि जिन छात्रों का एक पार्ट में परीक्षा छूट गई है उनकी स्पेशल परीक्षा लेकर उन्हें पास किया जाए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर निवासी पंकज कुशवाहा के आवासीय मकान में गुरुवार को अचानक आग लग गई, जिससे कि लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घर के ऊपरी मंजिल पर जलावन और मवेशियों के चारा होने से आग की लपटें काफी तेज हो गई, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हो गए। गृह स्वामी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चार दिन पूर्व सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ गंगा घाट से शाकुन प्रखंड बेलथू गांव का एक बच्चा लापता हो गया था, जिसकी तलाश बच्चे के परिजन एवं पुलिस द्वारा की जा रही थी। गुरुवार को सुल्तानगंज पुलिस द्वारा बच्चे को बक्सर जिले से सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्चे की सकुशल बरामदगी पर कपसोना पंचायत के मुखिया नबीन चंद्र सिंह, कठहरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी रामानंद सिंह उर्फ बबलू मंडल ने अपने समर्थकों व बच्चे के माता पिता के साथ पहुंचकर थाना अध्यक्ष के द्वारा बरामदगी की खुशी को लेकर फूलमाला, अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया। भागलपुर SSP के निर्देश पर होली एवं शबे बरात को लेकर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सर्व समिति से सभी सदस्यों द्वारा प्रेम, सद्भाव एवं शांतिपूर्ण रूप से सभी त्योहारों को मनाने की बात कही गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान, जयचंद आचार्य, टोनी मिश्रा, रेणु मंडल, सोनू कुमार एवं शांति समिति के कई सदस्य मौजूद थे। गुरुवार को गणपतराय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एवं पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी के प्रांगण में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, विद्यालय के प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा एवं उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्र द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए रामजी प्रसाद सिन्हा ने कहा कि छोटे से छोटे बिंदु पर विचार कर प्लानिंग करना इस आचार्य कार्यशाला का उद्देश्य है। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।